इमाम ने फरमाया अगर ये चाहता तो अपनी जिंदगी ही में इसका इंतजाम कर सकता था। मौला क्या कहा कि अगर कोई रजब के आखिरी हफ्ते में तीन रोजे रखे, सात जरूरी नहीं, एक 27 रजब का जो आई, एक 24 रजब और एक 29 रजब, और अगर ये तारीखें उसके हाथ में ना रहे किसी वजह से, तो सात दिन जो आखिरी रजब के उसमें कोई तीन रोजे रखे, तो मलकुल मौत जब रूह कब्ज करने आएगा तो वो खुद ही कौसर का जाम भर के लाता है ऐसे आदमी के लिए जो माहे रजब की आखिरी तीन, कोई तीन दिन सात में से उसमें रोजा रखता है। ये जामे कौसर तेरे लिए है, जिसको जामे कौसर मिल जाए शैतान का पानी उसे क्या बहना पाएगा। मलकुल मौत खाली खाली हाथ नहीं आता, कौसर का पानी पिलाता जाता है और उसकी रूह को कब्ज करता जाता। एक जुमला, क्या शैतान को यह चीजें नहीं पता? भाई मुझसे तो ज्यादा इल्म रखता है शैतान, जब मैंने ही हदीस इमाम पढ़ी, शैतान को भी तो मालूम। तो अब शैतान क्या करेगा? अव्वल तो हमें इस किस्म के रोजे रखने ही नहीं देगा, और अगर हम रख लें तो ऐसा कोई चक्कर जलाएगा कि रोजे रख के भी हम बगैर रोजे वाले होंगे। कैसे? जिसके ऊपर वाजिब कला रोजे बाकी हो, सुन्नत रोजा रख ही नहीं सकता, वो माहिर अजब के सुन्नत रोजे रखवा देगा, हम पर कोई कजा भी होगा सारे रोजे गलत हो गए। ये फायदा सही रोजों का है, गलत रोजों का कोई थोड़ी। रोजे का टेक्निकल मसाला कितने लोगों को नहीं मालूम। तो शैतान दो तरीके से काम कर रहा, पहले तो अव्वल हमें आने ही नहीं देता दीन के रास्ते पर, और अगर ये हदीसें हम सुन लें तो हमारी लाइलमी से फायदा उठा के कोई ऐसा टेक्निकल हमसे मिस्टेक करा देगा। सबका दिया मरने वाले को नहीं मिला, रोजा रखा और हमारे लिए कौशल का जाम नहीं आया।